इस शो के प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। मेरा नाम हुआ नगीना देवी, मैं वार्ड 49 से चुनाव लड़ रही हूँ। और सबसे पहले अपने वार्ड 49 को, सभी जनताओं को, बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ आशीर्वाद, और साथ ही मीडिया भाई को भी मेरा नमस्ते। जी, नामांकन हो गया, स्कूटनी की प्रक्रिया हो गई है। हाँ, नामांकन कैसी तैयारी अभी चल रही है? आगे चल रही है, जनसंपर्क अभी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और चुनाव चिन्ह आने के बाद लोगों का है कि फिर हम लोग एक बार फिर आओ, संपर्क कीजिए। आप कई प्रत्याशी मैदान में हैं? 5 प्रत्याशी हम मैदान में हैं, और सभी लोग अपने अपने स्तर से लोग फील्ड में उतर रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने अपने मांग रहे हैं जनते से। लेकिन मेरा जो है, मेरा चुनाव लड़ने का मकसद है कि हम पहले से ही समाज का सेवा किए हैं, तो बिना अधिकार का हमने बहुत सारी काम, जो सरकारी योजना आया है उसका हम लाभ पहुँचाए हैं जनता के पास। जैसे आवास का भी हुआ, राशन कार्ड हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, शौचालय का काम हुआ। शौचालय का जब निगम में आया तो पहला हम महिला है कि मेरे पास लिस्ट आया है, तो मैं अपने वार्ड से ही शुरुआत किया था शौचालय का। तो मेरा भी गरीबों का शादी ब्याह, ये सब ही मेरा भी योगदान है समाज के बीच में। और हम चाहते हैं कि हम जीतेंगे तो इससे अच्छा, बिना अधिकार को तो हमने इतना काम किया, और जब पावर में आ जाएंगे तो इससे अच्छा हम काम करेंगे, अपने वार्डों को सर्वांगीण विकास करेंगे। पहले वार्ड पार्षद भी काम किए हैं विकास का, और बहुत लंबा क्षेत्र है तो संभव नहीं है कि पूर्ण हो। वार्ड 49 के प्रत्याशी रेहाना खातून है, उन्होंने कहा हाँ, तो रेहा अपने स्तर से 50 समरसेबल लड़वाए, तो गलत है, मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। वह 50 समरसेबल जो रेहाना खातून बोली है वह गलत बोली है। एक समरसेबल पार्षद के द्वारा आपका बढ़ चौक माने हला है पूर्वी क्षेत्र में, और एक समरसेबल हमारे श्यामनंदन साय कॉलेज के नज़दीक जो हला है वह फेलियर हो गया है, और लाइन पाइप कहीं कहीं बिछा गया है, पानी अभी तक ले नहीं आया है। तो रेहाना खातून जो बोल रही है कितनी सच्चाई है उसमें? सच्चाई ये पानी के मामला में उनका बिल्कुल गलत है, बलगलाया जा रहा है पानी के मामला में, समरसेबल के मामला में। अच्छा, कुछ ऐसे प्रत्याशी है जो जिला से बाहर शिफ्ट करके वहाँ रहने लगे, ऐसे लोग भी हैं, उनके बारे में क्या? ऐसे लोग जो आए हैं तो जनता उनको लाया गया है, तो जो जनता लाए हैं तो माने कहने के मतलब जीतने के बाद, जनता को कहना कि जीतने के बाद भी वो चला जाएगा तो फिर हम लोग तो वहीं के वहीं रह जाएंगे ना, जनता ये सब समझ रहा है। 2017 में सेकंड पोजीशन पर थी, सेकंड पोजीशन पर थी पिंकी साहब, तो 5 साल में एक दिन भी जनता के बीच में नहीं आई है। हम लोग लगातार माने रहे हैं, कोरोना में घर से बाहर रहे हैं, उसमें भी राशन कार्ड, अब उसके अलावा राशन कार्ड बनाने के अलावा राशन पहुंचाने के हम लोग ने काम किया है। तो जनता अपना निर्णय लेंगे कि हम कैसे प्रतिनिधि लाएं, कि वैसे प्रतिनिधि लाएं कि जीतने के बाद, हारने के बाद ही 5 साल गायब रहें, जीतने के बाद ही 5 साल गायब हो रहे हैं। अपने आप को कहाँ पा रही हैं? अभी हम अपने आप के हम अच्छा पा रहे हैं कि लोग का समर्थन है कि हमारे काम की हैं बिना थी का, हम लोग का बीच में हमेशा रहती है और दुख सुख में भी रहती है, घूमती फिरती है, इनसे जब चाहेंगे तब हम मिलते रहेंगे, या पार्षद मेरा ऐसा होना चाहिए कि जब चाहे तब हम मुलाकात करें, मिले, जब हम बुलाए तो हमारे पास चले आए पार्षद। तो नगीना देवी के ऐसा पार्षद कोई पार्षद नहीं हो सकता है। जन समस्या जो है, जन समस्या हमारे यहाँ है, तो जन समस्या तो है, तो कुछ तो पानी निकासी का है, जो कि हमारा मीटर पूरा से थोड़ा ऊंचाई जा रहा है, जमीन है ना, जिसके कारण नाला जो है कि से बनने वाला है नहर में निकासी के लिए, तो वह नहीं हो पा रहा है अभी। तो सरकारी ये बात है, सरकार का ये योजना है, लेकिन मेरा माने मानना है कि सरकार का जो भी योजना आया तो मेरा बिना अधिकार बिना पावर के हमने काम किया है। अच्छा, एक चीज बताइए, बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं
वो बात करते केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना के बताने के बाद कदम पहुंचाएंगे। देखो उनका तो अधिकार नगर निगम क्षेत्र पे, उनकी बात नहीं ना। मेरा नगर निगम, मैं 3 साल नगर निगम में काम की हूँ। 6 सलम बस्ती हमारे यहाँ दो कोई मैं आपको पार्षद, अभी जो हमारे यहाँ वार्ड पार्षद जो है के लिए उम्मीदवार है, उनसे पूछिए कि आपके वार्ड में कैसे सलम बस्ती है, वो नहीं बता सकते। मैं बताती हूँ, मैं सलम बस्ती के काम की हूँ। 2 सलम बस्ती है यहाँ, होना चाहिए 3, लेकिन एक नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया। 2 सलम बस्ती, एक बेला है, एक संत रविदास है। तो सलम बस्ती का जो विकास, जो हम 3 साल निगम में रहे इसलिए हम जानते हैं इस चीज को। केंद्र सरकार का नहीं, मुझे निगम से मतलब है। हम निगम के अंदर रहते हैं तो हमको निगम में जो भी हमारी योजना आएगा, जो भी माने सरकारी योजना आएगा वार्ड के लिए, वह हम माने विकास करेंगे। हाँ, बाकी विधायक जी के साथ मिलकर, विधायक जी से फंड होगा निगम के अंदर में, तो उनसे लेकर भी मैं अपने वार्ड को विकास करूँगा। एक जनता के नाम की अपील बताएं, क्या निवेदन करेंगे अपील, जो वार्ड के नाम से क्या अपील करेंगे? हम अपने वार्ड को जनता से अपील करते हैं कि आप मुझे समर्थन दे, मुझे जिताइए। बिना अधिकार के हमने आपको काम किया है, जितने के बाद आपको इससे पावर में जब आएंगे तो और अच्छा बढ़कर काम करेंगे। मैं तो काम करने के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।